बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? ठीक? अच्छा, माशाल्लाह। तो आज हम एक फिल्मों का दौर शुरू हुआ है। वैसे तो फिल्में इतनी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस में हर फिल्म से आपको मैं आगाह करती हूँ, उसके बारे में शेयर करती हूँ। मेरी एक फिल्म थी समाज में मल्टीकास्ट फिल्म थी। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम थे। मैं उस वक्त, मेरी ये 7वीं 8वीं फिल्म थी और जाफर शाह बुखारी ने बनाई थी। इसमें ये था कि नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद और सायका और सारे बड़े बड़े नाम, सबिया खानम, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम, आई सो लकी कि इतनी बड़ी खातून जो एज ए पर्सन भी बहुत अच्छी थी, मैंने उनके साथ काम किया। और वो मेरे साथ, शी वाज जस्ट लाइक, एक फ्रेंडली माहौल नहीं होता, क्योंकि वो भी गुजरात से बिलोंग करती थी और मैं भी, और मुझे कहती थी तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा बन हो और उसमें दो उंगलियां मारी हों। तो वो बड़े प्यार से और डिम्पल पे मुख्तलिफ बातों पर वो जुगते लगाती थी जो मैं बड़ा इन्जॉय करती थी। मेरी सीनियर थी, मेरी माँ की जगह थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम सेट पे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो समाज फिल्म में इस ऐसी कहानी थी, एक ऐसा सब्जेक्ट था। वो दौर कोई भी हो, आज का दौर हो या पिछला दौर हो या उससे भी पिछला हो या आने वाला हो, उसमें जो हमारा कल्चर है, हमारी एक तहजीब है, उसमें यही चीज़ पे हम फोकस करते हैं और इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि लड़कियों को एक हद से ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती। बाद में चाहे बाद में माँ जो सख्ती करती है उसको लोग ये भी किस्सा बना लेते हैं कि जी मैडम निशो ने इन्हां दी अफेयर च बड़ा अजीब किरदार अदा किया, विलन बन गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो माएँ हैं, जवान बेटियों की माएँ, वो इस चीज़ को तस्लीम करती हैं, इस चीज़ को मानती हैं कि वाकई बच्चियाँ मासूम होती हैं, इतनी अकल नहीं होती जितनी उस यंग लड़कों में होती हैं। वो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, लड़कियों में कम अकल होती है, तो वो मासूमियत में अपना नुकसान कर बैठती हैं। तो हर माँ जो एक जवान बेटी की माँ होती है वो एहतियात करती है अपनी बेटी को, एक पाबंदी, एक ख़ास हदूद व क़यूद में रहकर वो कहती है कि मेरी बेटी ये नौजवानी की जो ज़िंदगी है गुजारे। तो समाज फिल्म भी इसी सब्जेक्ट पे बेस करती थी। इस फिल्म में नदीम ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था, यानी कि ऐसा गलत लड़का होता है जो लड़कियों को फंसा के और उनको धोखा देता है। मैं ये जो एक बड़ा मोहतात लफ्ज़ है, धोखा ही कहूँगी, लड़कियों को धोखा देता है और फिर जब वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं तो उनको छोड़ के चला जाता है। इस लड़की को भी मोहब्बत के जाल में फंसाया, धोखा दिया और चला गया। इसी फिल्म का गाना था, ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी। तो अब इस मिसरे से, इस गाने के मुखड़े से आप समझ गए होंगे, पूरी थीम आपकी समझ में आ जाती है कि नदीम साहब का कैसा रोल था। बहरहाल ये लड़की भी इसी प्रॉब्लम में आ जाती है और फिर घर वालों को प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें, तो इसकी जल्दी से शादी कर देते हैं कि जहाँ भी ये जाए, जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, जहाँ जाए उसका। ये माँ बाप अक्सर ऐसा जब प्रॉब्लम में आ जाए, खुदकुशी या कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं, बहरहाल उसकी शादी उसके बड़े भाई से कर देते हैं। तो उसी घर में वो रहती है, उसी घर में वो दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। जब ये भाभी की शक्ल में आती है तो भाई जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भाई शर्मिंदा होता है। बहरहाल ये एक टसल चलती है, चलती है, चलती है। इस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि लड़कियों को बेरारवी का शिकार नहीं होना चाहिए ना लड़कों को। बाद में वही चीज़ उनके सामने इबरतनाक अंजाम बनकर उनके सामने आ सकता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। लड़कियों को जो पाबंदियां हैं उनको भी, उन पे भी जो अप्लाई होती हैं, उनको इस पे अमल करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी लड़कियां बाइज़्ज़त तरीके से गुजारें। बहरहाल समाज फिल्म का गाना, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, दुनिया के रस्मों रिवाज छोड़ दें, ये हमने मरी में किया। उसके बाद थोड़ा सा बीच में से ख़राब हो गया था, तो वुड यू बिलीव इट के ये फिर मरी का जो है चीट करके किया, तो वो शिमला पहाड़ी पे किया। वो हम बहुत हंस रहे थे कि जी ये मरी तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी नज़दीक है, इसमें तो हम गए और स्टेप लिया तो ऊपर मरी में आ गए हैं। तो बहरहाल वो गाने में इतना मैच किया कि महसूस नहीं होता। दिस वॉज ए सुपर हिट सॉन्ग, येट इट इज़ सुपर हिट सॉन्ग, लोग सुनते हैं और हर शख्स जो उस दौर का या आज के दौर का है ये गाना देखता है, तो ये गाना सबको अपील करता है, फेवरेट सॉन्ग है। तो ये गाना और ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, ये दो तीन सॉन्ग्स थे। हाँ, इसमें एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही हैंडसम टैलेंटेड खूबरू अदाकार शाहिद, उन्होंने भी इसमें एक विलन का रोल किया था और बिल्कुल एज ए गेस्ट रोल किया था, इतना लेंथी रोल नहीं था। फिर इसमें सायका थी और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तीन चार हीरो थे, और उन हीरोज में मतलब मैंने काम किया। तो मेरी ये गुड लक है कि मैंने दो दो तीन तीन हीरोज के साथ अकेली हीरोइन मैंने काम किया। तो नदीम तो धोखा दे के चले जाते हैं, तो जल्दी से पेरेंट्स चाहते हैं कि इसकी जल्दी से शादी कर दे। तो इत्तफाक से इसकी शादी नदीम के बड़े भाई जो थे वो मोहम्मद अली साहब ने वो रोल किया था, और बाजी के बाद हम इस फिल्म में दोबारा इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने शौहर का, मोहम्मद अली साहब ने शौहर का रोल किया था, और जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, ये हर वक्त सहमी रहती है। बहरहाल ये भी एक सबक आमोज फिल्म थी जो आज की जनरेशन के लिए, पिछली जनरेशन के लिए और आने वाली के लिए एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सबक और एक बहुत बड़ा एक बहुत रहनुमाई करने वाला सब्जेक्ट था। तो नाज़रीन, ऐसी फिल्में जो बनाई हमने काम किया इतने बड़े स्टार्स के साथ, मैंने बताया ना, नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद, सभिया खानम, सायका और लहरी साहब भी थे, ये उन दिनों के टॉप क्लास स्टार थे, और मैं उसमें एक मस्कीन सी हीरोइन घूमती फिरती थी। और बड़ी 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 फिल्में और बड़ी सुपरहिट फिल्में, और इसी तरह किसी को उरूज मिलना, ये बस मैं समझती हूँ कि खुशनसीबी है। तो आइंदा हम आपसे फिर किसी अच्छी फिल्म की के बारे में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, और मैं बताऊंगी इस म्यूज़िक का भी, बता चुकी हूँ कि इस फिल्म का भी म्यूज़िक सुपरहिट था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट फिल्म थी और बड़ा अच्छा बिजनेस किया था। नसरीन, फिल्मों का मायार और इसके अलावा एक कमर्शियल उनका स्टेटस भी होता है, तो कमर्शियली ये फिल्म बहुत अच्छी गई थी, बड़े इसने ज़र मुबादला कमाया, नोट कमाए और प्रोड्यूसर को अमीर कर दिया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिल्म को लेके चलेंगे। आई थिंक कि वो फिल्म होगी इंसान और गधा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इन्जॉय योरसेल्फ और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का, आपका रिस्पांस, आपकी चाहत मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।